दोस्तों आप इस खिलाड़ी से नफरत करें या प्यार, पर सच यह है कि इसने विश्व कप के 2 फाइनल्स में सबसे बड़ा स्कोर बनाया और जिताया। और मैं चैलेंज करता हूं, यदि मस्ती के साथ आपने यह वीडियो देखा तो आप जानेंगे कि इस खिलाड़ी से ज़्यादा मोटिवेशन भरा कोई खिलाड़ी ही नहीं था भारतीय टीम में। मैं सिर्फ यह कहूँगा कि यह खिलाड़ी भारत का अनसंग हीरो है और जब भी बड़ी मुसीबत में भारत था यह बीच में अड़ गया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Next one, Mohan Bhargav. It's one of our favorite characters. So Mohan Bhargav is a very serious guy. Serious guy, honest. Very honest, quiet, never ever smiles. So Gautam Gambhir has to be Mohan Bhargav. That was an easy one. You like the character. I'm sure he's one of your favorite characters, yeah? Love it. Gautam Bhargav is relieved. Yes, this is the one I hope they asked for. And this is the one it is. So let's hear it for the captain. जो उनकी माँ की इज्जत नहीं करते, मैं उनका बाप बन के आता हूँ। क्या बात है? आप ये कह रहे हो कि इंग्लैंड से हारना और जिम्बाब्वे जीतने की बात है, चाहे कोई जिम्बाब्वे से खेला चाहे कोई इंग्लैंड से खेले, तभी सही बात है कि तभी आप फिर अगर इंडिया जाके जिम्बाब्वे को हराएगा आप क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे ना अच्छी परफॉर्मेंस की है, तभी फिर आप ये बोले ना कि नहीं जी इंडिया की टीम भी जिम्बाब्वे से खेली है जाके तो हल्की टीम से खेली हम जीत गए। सही बात है, तभी अपनी रैंकिंग देखो और हमारी रैंकिंग देखो, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो या टेस्ट मैचेस हो, आप जिम्बाब्वे से ही खेलते रहो क्या ठीक है, आप जिम्बाब्वे बांग्लादेश इन्हीं को हराते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हमने चैंपियंस ट्रॉफी में किसी और के खिलाफ भी खेला था, जीत के आ गए, कोई बात नहीं, एक चैंपियंस ट्रॉफी जीते, उससे पहले कई बार कुछ नहीं जीते आप ठीक है, कुछ नहीं। वैसे तन्वीर अहमद इतने सालों से कुछ नहीं, नहीं कितनी दफा तो आई थिंक आई हैव कंट्रोल्ड अ लॉट बट वंस इन अ व्हाइल हीटेड आर्गुमेंट्स होते हैं, बट ठीक है आर्गुमेंट होना ठीक है, लेकिन कोहनी चला देना ये तो should get 2 if not more. Get 2. The umpire Gambhir just bargy bargy between the dear idea. Words exchanged. The battle's on. गाड़ी भगेगी अब ताबड़ तोड़, बहुत हार्ड नहीं फुल पावर बोल, सारे लगे अभी कहीं जमाने में दुनिया ये सारी माखन चोर। It's been a little bit of confrontation now with the Aussie bowlers, Shane Watson in particular as well, just caught one on the glove the over before. And all he needs to do is say, just have a look at the scoreboard, 199 for 3 and I'm on 95, that's enough. Down the wicket, he's gone over mid off and it clears Brett Lee. कौन सा ऐसा बॉलर है जिसकी पिटाई करके आपको सबसे ज्यादा मजा आया? पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर आप रन बनाओ तो वो कुछ ज्यादा ही खुशी मिलती है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के अगेंस्ट, इसलिए बिकॉज आपने इतना सुना है पाकिस्तान के बारे में और इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी में जब आप क्रिकेट स्टार्ट करते हो तो आप हमेशा ये सोचते हो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जीतना है रन बनाने, तो मे भी वो एक रीजन है कि आप पाकिस्तान के अगेंस्ट जब भी परफॉर्म करते हो तो आपको ज्यादा खुशी मिलती है। को वो रनआउट याद है, लेकिन जनता को याद है जो शाहिद अफरीदी के साथ 2007 में आपका टकराव हुआ था? देखो हीट ऑफ द मोमेंट अगर आप देखिए, हीट ऑफ द मोमेंट बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि लैंग्वेज सेम है इंडिया और पाकिस्तान की, तो बहुत चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि बहुत पर्सनल हो जाती है, ब्लेम करता हुआ क्या था उस दिन? देखो वो बहुत वो चीज़ें मैं बोल नहीं सकता बिकॉज वो बहुत पर्सनल चीज़ें हैं, वो ऐसे जो लैंग्वेज भी यूज़ की थी और जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स भी हुए थे, तो इट हैपेंस इन क्रिकेट और स्पेशली पाकिस्तान के साथ। मतलब ऐसी गालियाँ दी थी जो आप जनता के सामने बता नहीं सकते? बिल्कुल बिल्कुल। शॉर्टकट से मिलती नहीं जीत, मिल भी गई तो फिर मिलती नहीं सीख, जैसे अल्लाह के नाम पे मिलती है भीख। गेम दिस इज वेयर द बॉल हेडेड आउट। I wonder who said what first.
Don't have to really wonder what, but war of attrition. Both of them very charged up indeed, as they should be. Gambhir has got to keep his concentration going. It's an important innings that he has to play here. South Africa at the moment have a stranglehold on proceedings. That could be four more. It'll stretch Pollock. It has, to no avail. Now there's words now between Nell and the umpire. Now the umpires are going to get together. There's, I think maybe quite a few words have been said. Nice, the spin down, yeah, smile, old lad, smile, says umpire Darryl here. हाँ, जेब में था चिल्लर, साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले लाइफ बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में, फिर भी काम किया बेटा खड़ा किया पिलर। तो वो एक ऐसा कुछ हुआ नहीं था जो इतना शाहिद अफरीदी के साथ हुआ था, उतना कामरान अकमल के साथ नहीं हुआ। लेकिन कामरान अकमल बहुत अपील करते हैं। कामरान अकमल ही पूरे पाकिस्तान ही बहुत अपील करते हैं। स्टॉप हुआ था दुबई में। दुबई से आई टुक अ फ्लाइट, हमने बोर्ड कर ली फ्लाइट अबाउट टू टेक ऑफ, सो गॉट अ कॉल फ्रॉम माई फ्रेंड सेइंग कि यार यू बीन पिक्ड बाय केकेआर। आई वाज शॉक्ड, आई सेड केकेआर, आई सेड यू बीन द हाईएस्ट पेड क्रिकेटर, आई सेड केकेआर कभी सोचा नहीं केकेआर वुड बिड एंड देन बीइंग द हाईएस्ट पेड, इट वाज एब्सोल्युटली शॉक। अच्छी फ्लाइट गई होगी ना वो, आराम से नींद आई होगी। हम्बल रखा मुझे मेरे पापा की पिटाई ने, लेकिन ज्यादा उंगली करी पूरा हाथ देंगे, और घने दीदे पाड़े साड़े धुम्मा ठा देंगे, जिसे सड़ना सड़े बोलो स्वाहा, जिसे मरना मरे बोलो। उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तानी हैं उनका दिल पाकिस्तानियों की तरह बड़ा नहीं हो सकता, और उन्होंने कहा कि इतने साफ और बड़े दिल नहीं है, जिस तरह की बातें आपने कही थी उसको लेकर। दोस्तों वीडियो के बीच में मैं बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करना चाहता, बट YouTube की गाइडलाइंस ऐसी हैं कि वो कॉपीराइट लगा देंगे, तो मुझे अपना इनपुट देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 26.3% लोगों ने नोटिफिकेशन बेल मेरे चैनल का ऑन कर रखा है, तो मैं चाहता हूँ सभी लोग घंटी दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। देखो मैं शाहिद अफरीदी के लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, वो आज भी उतने ही साल के हैं जितने साल के उन्होंने शुरू किया था खेलना, वो एज ए इंडिविजुअल नहीं बड़े हुए। 16 साल में उन्होंने डेब्यू किया था, उनकी आज भी दिमाग से वो 16 साल के ही हैं, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने कमेंट किए उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता उनके लिए, बिकॉज क्योंकि मेरे को अभी भी याद है, मैंने ये बोला था कि अगर हम मैच जीते हैं वर्ल्ड कप जीते हैं तो 26/11 के विक्टिम्स के लिए होगा। इसमें मैंने कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करी थी, कुछ नहीं, वो मेरी एक पर्सनल विश थी। अगर उसको शायद अफरीदी ने जाके किसी और वर्ड्स में, उन्होंने उसको जाती तौर पर लिया। आपने कहा था कि जो हमारी जीत है ये ट्रिब्यूट है उन विक्टिम्स को, उन लोगों को जो 26/11 में मरे। एग्जैक्टली, और वो मेरा एक पर्सनल विश था। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आप ये चीज़ किसको डेडिकेट करना चाहोगे तो आपके अपने विशेज हैं, तो वो सेम मेरी विश थी कि मेरे को उनको ट्रिब्यूट देना था कि 26/11 के विक्टिम्स को। बाकी जिस तरीके से उन्होंने उसको मैनिपुलेट करके बोला, आई थिंक इससे पता चलता है कि वो आज भी उतने ही छोटे हैं जितने उन्होंने शुरू किया था, 16 साल के ही हैं, तो उनको थोड़ा मैच्योर होना चाहिए जल्दी। जब पूरी दुनिया एक ऐसी महामारी से लड़ रही है कोरोना वायरस, उसके बावजूद अगर आप राजनीति करते हैं, कश्मीर का इशू उठाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, तो इसे पता चलता है कि आपकी क्या सोच है। कश्मीर के बारे में बात करने का या फिर इंडिया के बारे में बात करने का, आप अपना देश देखिए ना, आपके देश में खुद आपके पास पैसा है नहीं, लोग वहां पर मर रहे हैं, उसके बावजूद आप राजनीति कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि एक ट्रेंड बन चुका है पाकिस्तान में कि अगर आपको पॉपुलर होना है तो फिर इंडिया में हमारे प्रधानमंत्री जी को अजीब अजीब चीजें बोलिए, तो बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है। टीम का मेंबर होता, बट अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो, वो 3 रन मुझे जिंदगी भर बहुत परेशान करेंगे। देखिए जब पहले सहवाग आउट हुए और उसके बाद जब सचिन आउट हो गए तो लोगों ने तो उम्मीद छोड़ दी थी। मैंने नहीं छोड़ी थी सर, ऑनेस्टली, बिकॉज शाबाश मेरे शेर, बिकॉज अगर आप ऑनेस्टली अगर आप किसी भी इंसान से पूछे तो अगर उम्मीद छोड़ दी तो फिर सब कुछ छूट गया। अगर सचिन और सहवाग आउट भी हो गए थे तो हमारे पास स्ट्रेंथ है अब कि हम किसी भी स्टेज से, आप वर्ल्ड की नंबर 1 टीम सिर्फ एक या दो खिलाड़ियों की वजह से नहीं बन सकते,
आपको वर्ल्ड की नंबर वन टीम या वर्ल्ड चैंपियंस बनने के लिए सबको कंट्रीब्यूट करना जरूरी है। जो 11 खिलाड़ी फील्ड में उतरते हैं उन सबका कंट्रीब्यूशन जरूरी है। एक या दो खिलाड़ी आपको वर्ल्ड नंबर वन या वर्ल्ड चैंपियंस नहीं बना सकते। टेक 2 मिनट्स प्लेज टू डोनेट योर ऑर्गन्स आफ्टर योर डेथ। दोस्तों भारतीय खिलाड़ी गौतम गंभीर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 5 मैचों में 5 शतक लगाए हैं, साथ ही लगातार 11 टेस्ट मैचों में 11 50 लगाई हैं। 2009 में वो नंबर वन भी रहे थे। साथ ही मैं आपको बता दूं जो पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में, उसमें 40 जवान भारत के जो शहीद हुए थे उन सभी के बच्चों का खर्चा गौतम गंभीर ने उठाने का फैसला किया। नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों के बच्चों की पढ़ाई का अब खर्चा उठाएंगे। गंभीर ने कहा है कि शहीद जवानों के बच्चों की तस्वीरें देखकर वो विचलित हो उठे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो लगातार मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद। Oh,